स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसी सेम टाइप के जैसे मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ये पूछा है पहला पॉलीनोमियल दूसरा का है कि नहीं, बस सिंपल सी आप दोनों को डिवाइड करो, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो है, नहीं तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, करो। तो 3x + 2 यहाँ पर लिखो और 3x⁴ +5x³ नहीं स्टैंड फॉर्म में नहीं है, नहीं है, है 4 3 है, ठीक है। -x² +13x +10 ठीक है। चलो करो, ध्यान से करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, थोड़ा लंबा सा होगा बट इजी है। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो 3x + 2 है ना, तो यहाँ पर मुझे 3x⁴ चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर x³ करूँगा। कितना करूँगा, x³ कर दो, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गई, एक मिनट। हाँ अब ठीक है, देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x⁴ हो गया ना। अच्छा फिर एक्स क्यू 2x³ हो जाएगा, यहाँ 2x³ नीचे 2x³ लिखा जाएगा। ये होगा नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये कटा। ओके क्या बचा, 5 से 2 गया, 3 रहा, तो 3x³ रहा यहाँ पर। फिर जो भी है नीचे इसको लिख दो, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, जो जब चाहे चाहे सारे नंबर उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर हम कितना डालेंगे, +x² डालेंगे तभी ना होगा, 3x³ होगा, +2x² सॉल्व करो इसको, तो नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये कटा, क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3x² ध्यान से करते हैं कहीं गलती ना हो जाए, +13x + 10 ठीक है। हाँ अब कितना, -3, तो यहाँ पर कितना डालें, सिर्फ -x डालो, तो ये कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। फिर -x कितना, -2x हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, कटा, ये कितना हो जाएगा, 13 2 13 15 हो जाएगा, 15x + 10 होगा। 15 चाहिए x, मुझे यहाँ पर 5 करना होगा, +5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15x + 10, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये कटा, ये भी कटा, तो रिमाइंडर 0 आपका आ गया। देखो कितना इजी है, इजी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 3x + 2 इज फैक्टर ऑफ 3x⁴ का है, 5x³ -x² + 13x + 10 यस। अब यस लिख दो, यस। ओके समझ में आ गया। अब बिट 2 पे आते हैं, ये भी कुछ ऐसे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ओके लिख दो यहाँ पर डैड x² + 1 x⁴ -3x³ -4x² + 3x + 2 ठीक है, करो। कैसा करें बताओ, सोचो सोचो, यहाँ पे x⁴ है ना डायरेक्ट, सोचो कुछ रफ की ज़रूरत नहीं है, x² ही होगा यहाँ पर। x यहाँ पर कितना हो जाएगा, x⁴ कितना हो जाएगा, हाँ और x² आएगा ना, x² से, हाँ x² आएगा, x² इसके नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा x², यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये कटा आपका, जो भी बचा है लिख दो, -3x³ रहा, इसको सॉल्व करो, 5 होगा, -5x² +3x + 2 फिर कितना डालेंगे, -3x डालो, ये कितना हो जाएगा, -3x³ और ये आपका 3x होगा, तो इसके नीचे लिखेंगे हम -3x, यहाँ पर लिखेंगे हम, ये पॉजिटिव, जहाँ पर लाइक टर्म्स होगा वहीं पर सिर्फ साइन चेंज होगा, ये कटा, ये भी कटा, 5x² +6x 3 3 6 +2 ओके। फिर यहाँ पर डालेंगे -5 चाहिए ना, तो -5x² चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पर -5, तो ये आपका होगा -5x² माइनस, तो यहाँ पर -5 होगा, तो -5 हम इसके नीचे लिखेंगे नंबर के नीचे, क्योंकि नंबर नंबर भी तो लाइक टर्म्स है ना, ये आपका पॉजिटिव, ये कटा, क्या बचा, 6x + 7 बचा, ये होगा, तो यही आपका होगा रिमाइंडर, क्योंकि इसका देखो डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर डिग्री से कम है, तो ये दिस इज़ आवर रिमाइंडर।
तो यहाँ पर रिमाइंडर निकला तो हम तो इसको नहीं बोल सकते, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कुछ निकल रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो ईयर, रिमाइंडर है यहाँ पर कुछ 6x+7 है, सो देयर फोर x² + 1 जो है इज नॉट द फैक्टर, इज नॉट द फैक्टर ऑफ x^4 - 3x³ - 4x² + 3x+2 का, ठीक है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म। और बच्चों इसी वीडियो में हम हॉट्स का भी कर लेंगे, और कहीं क्यों जाना है, यहीं पर सब हो जाएगा। ओके, अब हॉट्स का जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, इंपॉर्टेंट है। यह हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ द रिमाइंडर ऑफ 10, मतलब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे किसको, इसको, और फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे फिर इसी को करेंगे, मतलब ये आपका एक डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पर दो डिवाइजर है, कि ये x-2 है और x+1 है, ये दो आपके डिवाइजर है। तो पहला ये जो जो पॉलीनोमियल है ना, पहले x-2 के साथ करके देखो कितना आ रहा है, फिर x+1 के साथ करके देखना कितना आ रहा है, लास्ट में दोनों क्या करना है, आपको प्लस करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो भी दो आपको रिमाइंडर मिलेंगे दोनों का सम जो है वो जीरो है, दोनों का सम कितना है, जीरो है, तो k की वैल्यू कितनी होगी बताओ। ठीक है, ईजी है। पहले तो पहले हम पेज में क्या करेंगे, एक डिवीजन करेंगे पहले, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो पहले x-2 से हम डिवाइड करके देखते हैं कितना आंसर आता है, x³ + ब्रैकेट में यहाँ पर कितना है, k+8 है, यहाँ पर x है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सवाल। पहले हम ये जो हमारा पॉलीनोमियल है, पहले हम x-2 से करके देखेंगे, फिर इसी पॉलीनोमियल को फिर हम x+1 से करके देखेंगे, आपको दो रिमाइंडर मिलेंगे, ठीक है, उन दोनों रिमाइंडर को हम प्लस कर देंगे, प्लस करके इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर कितना करेंगे, x-2 है ना, तो मुझे x³ चाहिए, तो मैं क्या यहाँ पर करूँगा, x² करूँगा, ध्यान समझना, यहाँ पर रफ मैं थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, इसलिए यहाँ पर मैं रफ़ यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, रफ़ यूज़ करना है। ओके, x-2 है, यहाँ पर लिख लो पहले, मुझे क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x² करूँगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x³ - 2x², तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा, x² होगा यहाँ पर, x² करने से ये कितना आ जाएगा आपका, x² करने से ये आपका आ जाएगा x³, जो भी यहाँ पर आया लिखो, यहाँ पर x³ आया, फिर -2x², तो यहाँ पर आपका आया -2x², ठीक है, समझना ध्यान से इस चीज़ को। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देंगे, मतलब लाइन दे देंगे, यहाँ पर आपका हुआ नेगेटिव, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, ये तो आपको कैंसिल हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी देखो यहाँ पर, देखो ये दोनों आपको क्या है, समझना है चीज़ को यहाँ पर ध्यान से, ये पर k+8x है, इसको अब नीचे आपको लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर साइन भी चेंज होगा आपका, समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक जो पार्ट था ना, देखो यहाँ पर x³ था ना, यहाँ पर 0x² एक होता, उसको हमने लिखा नहीं, तो एक्चुअली यहाँ पर 3 के बाद डायरेक्ट x ही आ गया, x² वाला तो नहीं, यहाँ पर 0x² यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती किया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ और एक बार, यहाँ पर 0x² होना चाहिए था ना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा काट दो, क्योंकि ये 3 के बाद डायरेक्ट x आ गया ना, x² वाले था नहीं, तो यहाँ पर आप और एक पेज में नहीं तो कर लो, यहाँ पर साइड में कर लो, यहीं पर साइड में कर लेते हैं, देखो इसको यहाँ पर ऐसे कर दो, लाइन दे दो ऐसे, कितना किया हमने, x-2 ब्रैकेट में कितना था, x³ था, यहाँ पर प्लस भी जो और एक, यहाँ पर 0x² आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है, और x वाला तो है यहाँ पर, यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है, k+8 है, ठीक है, हमेशा थोड़ी ना नंबर देगा, अब ऐसा k+8 कोफिशियंट दिया है, अब ठीक है, हम ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन हमारा, तो हमारे यहाँ पर कितना था, एक्स का स्क्वायर था, कितना था, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, एक्स का स्क्वायर था ना यहाँ पर, हाँ, तो कितना हो गया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिखा बच्चों x³, और फिर मैं देखो x² के नीचे x², तो -2x² यहाँ पर होगा। ओके, तो ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये कटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल सी बात है, 2x² रहा, अब समझ में आई थिंक आ गया होगा आपको, और यहाँ ब्रैकेट में k+8 जो है x, ये सॉल्व तो होगा नहीं, जो है ब्रैकेट में जो है सब यहाँ पर लिख दो सब, ठीक है, चलो मुझे 2x² लाना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, +2x करूँगा, करके देखो, तो x-2 में मैंने क्या किया, यहाँ पर 2x किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x² आएगा, -4x आ गया। ओके, तो चलो यहाँ पर लिख दो, 2x² मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, अब -4x कहाँ, इसके नीचे, क्यों देखो ये इसका x है, तो ये भी लाइक टर्म्स ही है, ये आपका -4x है, ठीक है,
ये आपका नेगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो ये तो कट जाएगा आपका। ये जो रहा समझना ध्यान से, ये भी एक्स, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स ही है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, ये एक्स का कोफिशियंट के प्लस 8 है और इस एक्स का कोफिशियंट माइनस 4 है, तो इसका मतलब के प्लस 8 और प्लस 4 हम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर है आपका के प्लस 8 एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है नीचे आपका प्लस 4 एक्स है, तो दोनों बच्चों दोनों का लाइक, ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं, यस हो सकते हैं, कैसे? हाँ देखो ये आपका के प्लस 8 प्लस 4 और होल ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स रहा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आया, के प्लस 12, यहाँ पर साइड में एक्स होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं बताओ। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको आप पूरा सॉल्व कर दो, बट पूरा सॉल्व मत करो, यही बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये एक्स है, देखो कोफिशियंट ही प्लस, जो प्लस या फिर इसको सॉल्विंग होते हैं ना कोफिशियंट, वेरिएबल तो बस वैसे ही रहता है, तो इसका ये इस एक्स का मतलब ये जो एक्स है इसका कोफिशियंट के प्लस 8 है, इस एक्स का कोफिशियंट 4 है, तो के प्लस 8 प्लस 4 कितना होगा, के प्लस 12 होगा और एक साइड में लग जाएगा यहाँ पर, बस वही कॉन्सेप्ट है, तो वही चीज़ यहाँ पर होगा, यहाँ पर तब कितना होगा के प्लस 12 ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स होगा फिर प्लस के हो जाएगा, तो मुझे के प्लस 12 एक्स चाहिए। अब समझना ध्यान से, मेरे पास डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस 2 है डिवाइजर मेरा, मुझे कितना चाहिए के प्लस 12 चाहिए, के प्लस 12 एक्स चाहिए, इसमें मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा, मैं के प्लस 12 ही करूँगा, एक्स तो उसके पास ऑलरेडी है, तो के प्लस 12 मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस 2 के साथ, तो कितना आंसर आएगा बताओ, करो तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कर दो यहीं पर ऐसे करो, के प्लस 12 के साथ एक्स मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा आपका, के प्लस 12 ब्रैकेट में एक्स आएगा फिर माइनस, फिर के प्लस 12 को माइनस 2 से करो, कितना हो जाएगा माइनस 2k और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। लिखो यहाँ पर आपका के प्लस 12 ब्रैकेट में x, यहाँ पर माइनस 2k माइनस 24, ये होगा, ये तो हो गया आपका नेगेटिव, ये आपको हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, तो ये तो कट जाएगा आपका, कट जाएगा, टोटल कट गया, यहाँ पर 2k तो यहाँ कितना 3k हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं, 3k होगा, ठीक है, ये प्लस 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 24, समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखो ये भी के वाले थे, यहाँ पर जो भी था ना यहाँ पर कितना था, यहाँ पर हमने सॉल्व किया टोटल का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर देखो माइनस 2k माइनस 24, ये इसी का ही फॉर्मेट है, वो ये के वाले ही हैं, के ही के प्लस 12 से ही ये हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हुआ, तो 3k प्लस 24 यहाँ पर आपको मिला, ओके। तो पहला डिवीजन का है, अब दूसरा करना है, तो पहला ही हुआ है अभी तक, दूसरा करना है, फिर दूसरा करते हैं, चलो केस टू, वो केस वन था केस टू, वही सेम एक्स प्लस वन है यहाँ पर आपका, वही सेम एक्स क्यूब प्लस, क्या था हमारा सवाल, एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट में के प्लस 8 यहाँ पर एक्स प्लस के, ठीक है बच्चों, ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं और एक मेथड इसका मैं बता सकता हूँ, ठीक है, अब ऐसे घबराना नहीं, मैं और एक मेथड बता सकता हूँ, तो मुझे कमेंट में बताना ये मेथड आपको कैसा लगा, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर पूरा इसका फिर खोल के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो पहले मैंने एक्स प्लस वन से, एक्स माइनस टू से किया, अब एक्स प्लस वन से करता हूँ, देखो कितना होता है, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, पहले हम कितना डालेंगे, एक्स स्क्वायर डालो, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी वही गलती मैंने किया, हट तेरी का, अरे यार फिर से वही गलती मैंने किया बच्चों, मैंने फिर यहाँ पर जीरो नहीं लिया, चलो जीरो एक्स स्क्वायर ले लो यहाँ पर, फिर प्लस ब्रैकेट में के प्लस 8 यहाँ पर एक्स ले लो, फिर प्लस के, ओके अब ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो गया एक्स क्यूब और 1x2, ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये तो कट जाएगा आपका, ओके ये तो कट गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, फिर जो है यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में के प्लस 8 यहाँ पर एक्स प्लस के, मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा माइनस एक्स ही करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा बच्चों यहाँ पर जो मैंने किया ऊपर लिखा नहीं ना, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, कितना हमने किया मल्टीप्लाई के प्लस 12 किया था ना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो बच्चों के प्लस 12 यहाँ पर लिख दो, ओके मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था, माइनस एक्स करने से कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स के नीचे लिखेंगे, ठीक है सॉल्व करो, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये कटा,
अब ये के प्लस एट, इसका देखो एक ये भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स का कोफिशियंट के प्लस एट और ये एक्स का कोफिशियंट माइनस, मतलब माइनस वन है, तो के प्लस एट माइनस वन कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस वन नहीं प्लस वन ना, ये साइन चेंज हो गया है, के प्लस एट प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, के प्लस नाइन होगा और ब्रैकेट में एक्स होगा, प्लस के होगा, ठीक है। अब मुझे के प्लस नाइन एक्स चाहिए, तो एक्स प्लस वन में क्या मैं मल्टीप्लाई करूँगा, डायरेक्टली मैं के प्लस नाइन ही मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो कितना हो जाएगा, के प्लस नाइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और के प्लस नाइन वन से मल्टीप्लाई होने से बच्चों कितना आ जाएगा, आपका के प्लस नाइन ही आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव ही आपका, ये नेगेटिव, तो ये आपका तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर आपका क्या बचा, प्लस के माइनस के कैंसिल हो गया, सिर्फ नाइन माइनस नाइन आपका रहा रिमाइंडर। ये बच्चों मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट के प्लस नाइन को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब चाहो तो इसको एक्स को ओपन करके के लाओ फिर नाइन लाओ, ऐसा भी हो सकता है, बट मैं डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपका रिमाइंडर निकला क्या, ये सेकंड रिमाइंडर, सेकंड आर टू मतलब क्या, सेकंड रिमाइंडर, ये आपका आर वन मतलब दूसरा रिमाइंडर, जो पहला रिमाइंडर आर वन। तो हमें बच्चों पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता है हमें, कि भाई आर वन प्लस आर टू दोनों का सम कितना है, जीरो है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो आर वन कितना है, थ्री के प्लस ट्वेंटी फोर, आर टू कितना है, माइनस नाइन है, इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू निकल जाएगी, देखो 3k प्लस 24 माइनस 9 इक्वल टू जीरो, तो 3k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर प्लस 15 होगा, तो 3k की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, माइनस 15 इधर आएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 15 बाय कितना, 3 काटो, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, माइनस 5, ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, माइनस 5। तो बच्चों यहाँ हमारा ख़त्म होता है, पूरा चैप्टर ही आपका ख़त्म हो गया हॉट्स का, हॉट्स का मैंने बता दिया, हॉट्स का अगर ये जो डायरेक्ट मेथड आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं और भी कुछ नया मेथड बताऊंगा आपको, ओके, बट ये सबसे बेस्ट है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कर दिया, चीज़ों को समझोगे ना तो ईजी लगेगा आपको, ओके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।